हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, क्या आप उस शिकारी का नाम जानते हैं जो घरों से निकलते ही खोखार बन जाता है? जंगल का राजा किसे कहा जाता है? जंगल में सबसे ताकतवर कौन सा जानवर होता है? क्या होगा जब एक शेर और कुत्ते का आमना सामना होगा? क्या तेंदुआ कुत्ते को चबा जाएगा या खुद ही डर कर भाग जाएगा? क्या कुत्ते को टाइगर के हाथों मिलेगी दर्दनाक मौत या कुत्ते मिलकर बजाएंगे शेर खान की बैंड? चलिए जानते हैं। दोस्तों, बात चाहे रफ्तार की हो, चाहे चीर फाड़ की, या सामने वाले शिकार को बेरहमी से मौत के घाट उतारने की, हर मामले में जंगल में सबसे खतरनाक माना जाता है बिग कैट्स को। बाघ खूंखार है तो तेंदुआ जानलेवा, वहीं जंगल का राजा शेर जो किसी से कम नहीं है, किसी भी शिकार को पल भर में इस दुनिया से रवाना कर सकता है। लेकिन आज इनका सामना होने वाला है कुत्तों से, जो घरों से खूंखार अवतार लिए हैं। जंगली कुत्ते और शेर दोनों ही झुंडों में रहना पसंद करते हैं। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इनकी लड़ाई में जीत किसकी होगी। नंबर वन, लेपर्ड वर्सेस पेट डॉग्स। ये डॉगी भाई साहब मस्त बिंदास जंगल के बीचों बीच सड़क पर घूम रहे थे, तभी इसे झाड़ियों के पीछे खूंखार शिकारी की परछाई नजर आ गई। तेंदुआ भी बिना समय गवाए बाहर आया और कुत्ते पर हमला कर दिया। लेकिन डॉगी भाई साहब भी कम नहीं पड़े, ऐसा भोंका कि तेंदुआ भी कंफ्यूज हो गया कि तेंदुआ हूं मैं या ये। इसके बाद तो डरा सहमा तेंदुआ वापस जंगल की तरफ लौट गया। इसे कहते हैं बाजी पलटना। भाई, एक टाइम तो घरों में रहने वाले कुत्तों पर हाथ साफ किया जा सकता है, लेकिन गलियों में सैर सपाटा कुत्तों के मुंह लगना मतलब अपनी बेइज्जती कराने के बराबर है। अब इस तेंदुए को ही देख लीजिए जो कुत्तों के इलाके में घुस आया। बेचारा आया तो था पेट पूजा का इंतजाम करने, लेकिन कुत्तों ने मिलकर उसे ऐसी गालियां सुनाई कि तेंदुए को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। यहाँ तो मालिक की सुरक्षा में तैनात डॉगी महाराज का चेहरा तेंदुए ने अपने मजबूत जबड़े से पकड़कर दबोच लिया है, पर डॉगी भी कहाँ हार मानता है और लगातार बचने की कोशिश करता रहता है। और आखिरकार कुत्ते की बहादुरी रंग लाती है और लेपर्ड यहाँ से फर। यहाँ ये कुत्ता अपनी गर्लफ्रेंड के सपनों में खोया हुआ है, लेकिन खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। तेंदुआ दबे पांव कुत्ते की तरफ बढ़ता है और कुत्ते को भनक तक नहीं लगती। लेकिन जैसे ही तेंदुआ कुत्ते पर हमला करता है, वैसे ही कुत्ता नींद से जागता है और अचानक से तेंदुए पर टूट पड़ता है और लेपर्ड भाई बिना शिकार लिए ही यहाँ से निकल लेते हैं। लगता है आज तो लेपर्ड जंगली बिल्लियों की नाक कटवा के ही घर जाएगा। आज इनकी इज्जत नीलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। अब यहीं देख लीजिए, कुत्ता घर के बाहर गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी एक लेपर्ड मुंह से लार टपकाता हुआ आया और कुत्ते की गर्दन दबोचने लगा। कुत्ता छटपटाया और उछल कूद करके लेपर्ड को यहाँ से 9-2-11 होने पर मजबूर कर दिया। मुझे तो बाबू भैया का एक डायलॉग याद आ रहा है, क्या गुंडा बनेगा रे तू। नंबर टू, लेपर्ड वर्सेस वाइल्ड डॉग्स। लगता है आज तो लेपर्ड अंडरवर्ल्ड में थूथू करवाने के मूड में है। अब इस लेपर्ड को ही ले लीजिए, जैसे तैसे कड़ी मशक्कत के बाद एक एंटीलोप इसकी जुबान तक आ पहुंचा था। एंटीलोप को ऊपर पहुंचाने की तैयारी ही थी कि तभी जंगली कुत्ते का झुंड खाने की खुशबू सूंघता हुआ यहां आ गया और इन कुत्तों को देख लेपर्ड को इतना डर लग गया कि उसने शिकार विकार छोड़ा और सीधा पेड़ पर चढ़ गया। बताओ ऐसा डर, वो भी जंगली बिल्लियों में, शह। वैसे इस डर ने एंटीलोप का फायदा करवा दिया, देखिए कैसे ये रॉकेट की तरह भाग निकला है। खैर, कुत्तों पर ना सही, लेकिन लेपर्ड का जोर इम्पाला और एंटीलोप जैसे जानवरों पर खूब चलता है। लेपर्ड वर्सेस इम्पाला। इम्पाला की टोली सुबह सुबह अच्छा मौसम देखकर पेट में कुछ हल्का फुल्का डालने के लिए निकली थी, लेकिन शायद इन्हें पता ही नहीं था कि अफ्रीका के जंगलों में खूंखार शिकारी घूमता है जिसे लेपर्ड कहते हैं। और इन शिकारियों में से एक की नजर इन इम्पालाओं पर पड़ चुकी है। तेंदुआ बड़ी चतुराई से दबे पांव इम्पाला के पास पहुंचता है और इंतजार करता है। जैसे ही एक इम्पाला तेंदुए के पास आता है, वो उसे दबोच कर हमेशा हमेशा के लिए सुला देता है। यहाँ भी एक इम्पाला घर से बाहर निकलकर जंगल में सैर कर ही रहा था कि तभी इम्पाला की नजर इस पर पड़ी और इसने अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल कर इम्पाला को दबोच लिया। अब बारी है इस टेस्टी मील को खाने का। नंबर फोर, टाइगर वर्सेस डॉग्स। कुत्तों को ना उंगली करने की बड़ी चुल होती है
और इसका खामियाजा भी इन्हें तुरंत ही भुगतना पड़ता है। ये टाइगर बड़ी प्यारी नींद सो रहा था, तभी वहां एक कुत्ता आया और बेवजह उसको उंगली करने लग गया। बाघ ने अपनी खूंखार रूप को दिखा दिया और कुछ थप्पड़ों में कुत्ते को ढेर करके यमराज के पास पहुंचा दिया। इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। लो जी, यहाँ तो एक मामूली कुत्ते ने बाघ का कान ही पकड़ रखा है। वाकई समय कब पलटी मारता है कोई नहीं जानता। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि ऊपर वाला सब देखता है। कुछ ऐसा ही हाल है लंगूर का, जो पेड़ पर बैठे बैठे पूरे जंगल का हाल देख लेते हैं। हिरनी की ये टोली मस्त मस्ती कर रही थी और ऊपर पेड़ पर बैठे लंगूर इनकी मस्ती से खुश हो रहे थे। तभी लंगूरों ने देखा कि मौज में खलल डालने के लिए टाइगर इनकी तरफ बढ़ रहा है। लंगूरों ने तुरंत ही हिरणों को अलर्ट किया और हिरणों ने भागम भाग शुरू कर दी। आखिरकार टाइगर के मुंह लगने से ये बच ही गए। नंबर 5, लायन वर्सेस डॉग्स। दोस्तों अब बारी है जंगल के राजा शेर खान की और गलियों के बादशाह जंगली कुत्तों की। देखना होगा कि कितना जोर इन शिकारियों की बाजुओं में है। वैसे दोस्तों जंगल में शेर की एक दहाड़ से ही मातम छा जाता है, लेकिन यहाँ एक पिद्दी से कुत्ते ने शेर और शेरनी दोनों की बैंड बजा कर रखी है। शेरनी को अपनी तरफ आता देख कुत्ता उछला और दोनों पर एक के बाद एक लगातार हमले करने की कोशिश करने लगा। ये देख शेर और शेरनी भी सोचने लगे कि आखिर ये किस चक्की का आटा खाता है। वैसे पिद्दी कुत्ते ने आखिर तक हार नहीं मानी और मियाँ बीबी की इस जोड़ी से बचकर भाग निकला। वहीं दूर खड़े जानवर इस घटना को ऐसे देख रहे थे जैसे पिक्चर चल रही है। ये पांचों कुत्ते पहाड़ी शेर को उंगली कर रहे थे, लेकिन जब ये नहीं माने तो शेर ने इनमें से एक का राम नाम सत्य कर दिया। अब बोलो भाई, जंगली कुत्ते दिखने में बेशक पद्दी लाल होते हैं, लेकिन जब ये शिकार के मूड में आते हैं तो इनकी बहादुरी, बेदर्दी और खूंखारगिरी पूरे जंगल में चर्चा का विषय बन जाती है। कुत्तों के एक झुंड में करीब 15 कुत्ते होते हैं और आज इस झुंड ने शेर से पंगा लेने का मूड सेट किया है। ये शेर शांति से बैठा था, तभी शांति को भंग करने के लिए शिकारी कुत्ते यहाँ आ गए। अब इन पद्दियों में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि शेर के पास जाते और उसे नोचते, इसलिए सब के सब भौंकने लगे। शेर भी खड़ा हो गया और इन्हें डरावनी आंखों से धमकाने लगा। ये देखकर कुत्ते भी समझ गए कि ये माल हमारा नहीं है, इसलिए भौंकते भौंकते विदा ली और यहाँ से चलते बने। ऐसा ही सीन यहाँ भी है। जंगली कुत्तों ने शेरनी को घेर लिया है, लेकिन शेरनी भी कहाँ रुकने वाली थी। वो भी कुत्तों को खदेड़ देती है, लेकिन शेरनी जानती थी कि जंगली कुत्ते बड़े जिद्दी होते हैं और ज्यादा देर तक यहाँ रहना मतलब अपनी जिंदगी को गंवाना ही हुआ। इसलिए शेरनी जंगली कुत्तों को धमकाते हुए यहाँ से चलती बनती है और कुत्ते देखते ही रह जाते हैं। यहाँ शेर खान जंगल का हालचाल और पेट की तड़प शांत करने निकले थे। रास्ते में इन्हें जंगली कुत्तों का एक झुंड हुड़दंग करता हुआ दिख गया। शेर ने भी ना देखा ना ताव कुत्तों पर हमला कर दिया और एक को अपने मजबूत जबड़े में दबोच लिया और कुछ ही देर में उस पर ऊपर वाले की कृपा करा दी। अब बारी है इस टेस्टी खाने को सफाचट करने की, जिसके लिए इसके दोस्त भी यहाँ आए हैं। मतलब मिल बांट कर पार्टी होगी बॉस, अच्छा है। दोस्तों ये थे जंगली कुत्ते और बिग कैट्स की मुठभेड़, कुछ टेरिफाइंग मोमेंट्स। आपको इनमें से कौन सा हमला सबसे खूंखार और कौन सा हमला कुछ मजाकिया लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। बाय बाय। दोस्तों आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।